पिछले कुछ दिन में हम सब ने देखा कि इस्लामाबाद एम्बेसी और मुंबई कौंसलेट दोनों ही में हलचल रही। दोनों की तरफ से हमें न्यू इंटरव्यू लेटर जो है वो लोगों को मौसूल हुए और काफी अपडेट्स हुई, पेस हमें आगे बढ़ती हुई महसूस हुई काफी वीजा कैटेगरीज के अंदर। इस्लामाबाद एम्बेसी में पर्टिकुलरली हमें ज्यादा इंटरव्यू लेटर्स नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2 दिन का वक्त गुजरने के बाद अब हमें न सिर्फ CR1 IR1 बल्कि दूसरी फैमिली कैटेगरीज के अंदर भी पता चला है कि काफी लोगों को इंटरव्यू लेटर मौसूल हुए हैं। आज इसी के बारे में बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है रमशा खान और आप मौजूद हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको मिलती है इमिग्रेशन और वीजा रिलेटेड न्यूज, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और आप लोगों के कॉमेंट के बहुत सारे जवाब। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी की, जहां से हमें F4 वीजा कैटेगरी के अंदर, जो कि सिबलिंग्स की वीजा कैटेगरी होती है, इसमें यूजुअली मैंने आपको बताया है 16, 17, 18 साल लगना कोई मामूली बात नहीं है, इसमें अपडेट हुई है। F4 वीजा कैटेगरी में DQ था June 5th, 2020 और इंटरव्यू डेट जो है वो इन्हें January 10th, 2024 की मिल गई है। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त इस्लामाबाद एम्बेसी की। इसके साथ साथ एक और किसी ने हमारे साथ शेयर किया कि उनकी प्रायोरिटी डेट है F4 कैटेगरी में June 2006, DQ डेट है June 10th, 2020, इंटरव्यू की डेट है January 12th, 2024। इसके साथ साथ एक और इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ है F4 ही की वीजा कैटेगरी में इस्लामाबाद एम्बेसी में, PD है May 30th, 2006, DQ है June 10th, 2020 और इंटरव्यू की डेट है January 12th, 2024। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन से आपको अंदाजा होता है कि आपका जो है F4 कैटेगरी का DQ कब हुआ था, आपकी प्रायोरिटी डेट क्या थी और इस वक्त मौजूदा टाइमलाइन क्या चल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में IR1 वीजा कैटेगरी के अंदर। इन जनरल मैं आपको बता दूं, कल भी मैं कुछ लोगों के कॉमेंट्स देख रही थी, वो कह रहे थे कि मार्च तक कवर हो गया है और कुछ कह रहे थे अप्रैल तक। तो मार्च में भी मेजॉरिटी लोगों के इंटरव्यू लेटर्स जो है वो मिल गए हैं, लेकिन जो रहते होते हैं वो 1-8 महीने में कवर हो जाते हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी ऑफिशियली अब अप्रैल के महीने में भी दाखिल हो गई है और अप्रैल 2022 के DQs को भी अब इंटरव्यू लेटर रिसीव हो रहे हैं। DQ था April 13, 2022 और इनकी इंटरव्यू डेट रिसीव हुई है January 5th, 2024। ये है IR1 CR1 वीजा कैटेगरी। इसके साथ साथ किसी और ने भी हमारे साथ शेयर किया, उनका DQ था April 25th, 2022 और इंटरव्यू की डेट है January 22, 2024। एक और April 11, 2022 का DQ था जिसको इंटरव्यू की डेट दी गई है January 5th, 2024। DQ है इसके साथ एक और April 26, यानी कि अप्रैल में भी एंड के महीनों को, एंड के डेट्स को भी अब वो कवर कर रहे हैं, April 26, 2022 और इंटरव्यू की डेट है January 24, 2024। IR5 वीजा कैटेगरी इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करते हैं, तो DQ है April 27, 2022 और इंटरव्यू डेट है January 22, 2024। तो कंक्लूसिवली आप देखें कि इस्लामाबाद एम्बेसी IR5 वीजा कैटेगरी और IR1 CR1 वीजा कैटेगरी के अंदर April 28 तक जो है वो कवर कर चुका है इंटरव्यू लेटर्स को। इसमें लाजमी तौर पे ये होता है कि कुछ लोगों के मार्च के और अप्रैल के अभी बाकी होंगे जिनकी डेट गुजर गई है और उनको इंटरव्यू लेटर नहीं मिला है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, 1-2 महीने में वो आपको भी कवर कर लेंगे, प्रोसेसिंग में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चीज आपने देख ली। अब बात करते हैं मुंबई कौंसुलेट की। तो मुंबई कौंसुलेट के ज्यादातर इंटरव्यू लेटर्स जिनकी मुझे मालूम हुई थी मैंने कल आपके साथ शेयर कर दिए थे। आज कुछ 2 नए इंटरव्यू लेटर्स के बारे में मुझे मालूम हुआ तो मैंने कहा उन्हें भी आपके साथ शेयर किया जाए। IR5 वीजा कैटेगरी है, मुंबई कौंसुलेट की बात हो रही है। DQ है 22 September 2023 और इंटरव्यू की डेट है January 12, 2024। ये है मुंबई कॉन्सुलेट। इसके साथ साथ IR1 वीजा कैटेगरी है, उसमें DQ है October 4th, 2023 और इंटरव्यू की डेट है January 29, 2024। तो मुंबई कॉन्सुलेट में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से पेस उनकी चल रही है, क्योंकि वो 2023 में भी कितने एंड में आ गए आप देख रहे हैं। उनकी टाइमलाइन जाहिर है बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद एम्बेसी। लेकिन खुशी की बात यह है कि जब भी वीजा इंटरव्यू लेटर्स आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर किया जा रहा है। इसके साथ साथ F2-1 वीजा कैटेगरी, F3 हो गई और भी बहुत सारी वीजा कैटेगरी होगी, ग्रीन कार्ड की जो स्पॉन्सरशिप होती है स्पाउस के लिए, वो सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारे बारे में क्या अपडेट है इंटरव्यू लेटर्स की हमारी कैटेगरी के लेके। तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी हम अपने चैनल पे उसे आपको जरूर बताएंगे। उन कैटेगरीज में जाहिर है थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है, अगर सिटीजनशिप से स्पॉन्सर हो रहा होता है तो कम टाइम लगता है, ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर करता है स्पाउस को तो कंपैरेटिवली थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आप लोग जरूर
कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर किया कीजिए आपको जिस भी कैटेगरी के अंदर इंटरव्यू लेटर रिसीव हुआ हो, क्योंकि आपकी वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे लोगों को बहुत हेल्प करती है जो अंदाज़ा लगाते हैं फिर अपनी टाइमलाइन का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।